तो सवेरे के 6 बज रहे हैं और मैं अपने छोटे भाई आलोक के साथ रनिंग करने आया हूँ। टेक्निकल ख़राबी के कारण इसमें आवाज़ नहीं आ पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसीलिए मैं अभी अपने वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि गांव का एक व्यक्ति जो इस महुल पेड़ पर महुल के कुछ गिरे हुए हैं, तो महुल वो उठा रहा है। इस महुल से ही शराब बनाया जाता है और ये महुल शराब बनाने के लिए काम आता है और काफ़ी इस महुल में बहुत ज़्यादा ही नशा रहता है। इसे लोग पीकर जो हम देसी मदिरा कहते हैं वो इसी महुल से बनता है। तो भाई लोग वहाँ पे देखो, वहाँ पे जो पहाड़ है ना उस पे ना भालू रहते हैं, ठीक है, भालू और कई सारे जानवर रहते हैं, तो उसमें चढ़ने की कोशिश भी नहीं की है। और इस पहाड़ में बहुत सारे पेड़ है, मतलब खाने की चीज बहुत सारा, जैसे कि बोरो, आम, जाम, जैसे कि किंदू, बहुत सारा है खाने का, बहुत सारा है। इसमें जो छेल चलाने जाते हैं वो लोग बहुत सारा खाना लेकर आते हैं घर में। अच्छा है, अच्छा अच्छा, तो हम कब जाएंगे घर में, वो तो भैया जाएंगे। भैया जाएंगे नहीं, भैया को पता है भैया कहाँ पे जाएंगे। तो ये जाती है दोस्तों, ये रोड झीकी पारा की ओर जाती है और मेरा गांव वहीं सामने में पड़ता है, साले मुड़क और झीकी पारा के बीच में। यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर नहीं होगा, 2 किलोमीटर होगा। और देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग उठ गए हैं और जो केंदू गिरता है, केंदू बोल रहा हूँ, क्या नाम, माहौल, हाँ माहौल से जो गिरता है उसको उठाते हैं और बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। थक गया हो क्या? हाँ थक गया हूँ, अब घर जाना है जल्दी से। 100 रुपये का चेंज नहीं है, इसको दोगे बीड़ी को 50। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, बस जैसे ही जाएगा मैं रायपुर की ओर निकलूँगा। और अभी तो बस आने में मतलब टाइम तो हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों। वेट करते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे रायपुर। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और रास्ते का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि होली के 3 दिन की छुट्टी होने वाली है और बस भी इस दौरान नहीं चलेगा, इसीलिए सारे पैसेंजर को आज ही रायपुर आना था और काफ़ी ज़्यादा बस भीड़ था, इसलिए मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया। आज होलिका दहन है तो उस होलिका दहन का भी मैं आज वीडियो बनाऊँगा और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।